के इस इंटरनेशनल सेमिनार अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बिहार सरकार श्री नीरज कुमार सिंह जी, आज के इस संगोष्ठी के अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंद्र चौधरी जी, यहाँ उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आर के सिन्हा, वर्तमान में कुलपति माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जम्मू हैं और साथ ही वे डॉल्फिन मैन के रूप में जाने जाते हैं, जिनके पायनियरिंग वर्क के बारे में अभी सभी लोगों ने चर्चा की। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर ए के घोष जी, PCCF ऑफ श्री आशुतोष जी, NDRC के अंतरिम प्रभारी डॉक्टर गोपाल शर्मा जी, एडिशनल PCCF वाइल्ड लाइफ प्रभात जी, राकेश जी और यहाँ उपस्थित हमारे विभाग के सभी वरीय पदाधिकारीगण, और इस सेमिनार में ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे रिस्पेक्टेड स्पीकर्स और जो पार्टिसिपेंट्स जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, और साथ ही इस हॉल में हमारे इससे जुड़े हुए जो रिसर्चर्स स्टूडेंट्स जो आज इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग ले रहे हैं, आप सभी लोगों को आज के इस कार्यक्रम के लिए, सबसे पहले आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। NDRC का गठन बहुत लंबे समय से इसके ऊपर काम चल रहा था, और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वाटिक मैमल के रूप में घोषित करने में भी हमारे राज्य की ही प्रमुख भूमिका रही है। जिस बैठक में इसका निर्णय लिया गया था, उस बैठक में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी और प्रोफेसर आर के सिन्हा जी ये दोनों मौजूद थे, और इन्हीं के अनुरोध पर और प्रेजेंटेशन के आधार पर उस समय जो प्रधानमंत्री थे माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। बाद में इसका औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की गई। NDRC का की भी परिकल्पना 2012 में ही की गई थी, और हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि इस बार जब बैठक में इसकी चर्चा हुई तो उन्होंने इसे तत्काल शुरू कराने का निर्देश दिया और 30 जुलाई को इसका प्रारंभ किया गया। अभी जैसा कि NMCG से राजीव रंजन जी ने भी बताया, हम लोगों को गांगेय डॉल्फिन के क्षेत्र में दो काम करने की बहुत आवश्यकता है। पहला है साइंटिफिक रिसर्च, क्योंकि अभी भी इसमें रिसर्च बहुत ही कम है, और इसलिए यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स आए हैं हमारे, चाहे वो इन्वायरमेंटल साइंस के हों, जूलॉजी के हों या अन्य विषयों से जुड़े हों, बिकॉज गांगेय डॉल्फिन पे जो रिसर्च होगा वो मल्टीडिसिप्लिनरी है, ये केवल जूलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मल्टीडिसिप्लिनरी इसमें अप्रोच लेना पड़ेगा। इसलिए हम वाइस चांसलर साहब हैं, इनसे भी अनुरोध करेंगे और यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चर्स को जो डिफरेंट फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग डॉल्फिन के हैबिटेट और जो पूरे गंगा नदी का जो इकोसिस्टम है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे रिसर्च करने के लिए जोड़ सकते हैं, तभी हमारा जो रिसर्च सेंटर है ये एक नेशनल रिसर्च सेंटर जो इसका नाम रखा गया है वो अपने आप को जस्टिफाई कर पाएगा। सेकेंडली, गोपाल जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको कम से कम हम लोग हर महीने नहीं तो कम से कम 2 महीने पे हम लोग इस तरह के वर्कशॉप्स या सेमिनार्स जरूर ऑर्गेनाइज करें, ताकि जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं ये भी जान सकें। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज के सेमिनार में हमारे न केवल इंडिया से बल्कि नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग जुड़े हुए हैं इसमें, इन लोगों ने इस पर काम किया है। सेकेंड, जो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, अगर हमें डॉल्फिन या गांगेय इकोसिस्टम का संरक्षण करना है तो इसके जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें मेन हमारे स्टेक होल्डर्स में जो मछुआरे हैं और जो नदी किनारे लोग रहते हैं, उनका स्टेक होल्डर्स तो इसके कई सारे हैं। हम सभी लोग जाने अनजाने नदी को एक कूड़ेदान के रूप में समझ लेते हैं, पूजा पाठ करने के बाद सामग्रियों का विसर्जन भी वहीं करते हैं, जब अंतिम संस्कार होता है तो उसके बाद जो होती है बाकी चीज़ें उनका भी वहीं विसर्जन करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, साबुन का पानी, पशुओं की गंदगी, पशुओं को धोना, ये सारी चीज़ों का, और घर का कूड़ा तो हमारे घर के शहरों की नालियों से होकर अल्टीमेटली गंगा नदी में चला जाता है, तो एक इसकी भी ज़रूरत है। और दूसरा, हमारे मछुआरे भाई जो सीधे इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि
दो तरह से जाने अनजाने इसका नुकसान होता है। जानकर नुकसान दो तरह से होता है, जब वो डॉल्फिन का शिकार करके उसके तेल को यूज़ करते हैं अन्य मछलियों को पकड़ने में, अनजाने में कई बार बाकी मछलियों के साथ डॉल्फिन भी फंस जाती है जाल में। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि डॉल्फिन भले ही पानी में रहती है लेकिन पानी में ही डूब कर मरती भी है, क्योंकि इसे सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। ये मछली नहीं है, इसलिए ये जल के अंदर सांस नहीं ले सकती, इसको बाहर ऊपर आकर सांस लेना पड़ता है। तो पानी में डूब के भी ये मरती है। और एक अनजाने में एक और नुकसान ये होता है कि जब वो छोटी मछलियों को पकड़ लेते हैं तो वो छोटी मछलियाँ जो कि डॉल्फिन का भोजन बन सकती हैं, वो मछलियाँ जो हैं वो फिर डॉल्फिन को खाने की कमी हो सकती है। तो कई चीज़ें हैं, इसलिए इसके कई आस्पेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है। हम लोगों ने, आर के सिन्हा साहब ने एक रास्ता दिखाया है, लेकिन अब जब ये एक संस्थागत रूप में परिवर्तन हो गया है तो हमें इस कार्य को एक योजनाबद्ध तरीके से आगे ले जाना होगा। हम प्रोफेसर वीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे NDRC जो कि पटना यूनिवर्सिटी का ही एक अभिन्न पार्ट है और अभी अस्थायी रूप से जूलॉजी डिपार्टमेंट में चल रहा है, इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ के फैकल्टी और रिसर्चर्स को जोड़ सकें उतना हम लोग गांगे डॉल्फिन के लिए कर पाएंगे। और आज ज़्यादा नहीं बोलते हुए आप सभी लोगों को पुनः पुनः यहाँ सेमिनार में भाग लेने के लिए, इससे कनेक्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।